कल था मैच, चेन्नई ने टॉस जीता, पहले बैटिंग कर लिया फैसला। अब तो चेन्नई का मैच देखते टाइम ब्लड प्रेशर वाला मीटर लेकर बैठता हूँ। खतरे से खाली नहीं है ये मैच देखना। और सबसे टॉप क्वालिटी की टीम होने के बाद भी सबसे नीचे की टीमों में शुमार, देखकर अच्छा नहीं लगता। आई एम अ ट्रू MSDN। चेन्नई ने कर डाला बड़ा बदलाव, इस बार वॉटसन की जगह सैम करन को ओपनिंग पर भेज दिया। अपने दोस्त वॉटसन के न होने से नाराज फाफ डुप्लेसी ने 10 के स्कोर पर आउट होकर यह बता दिया कि अरे दोस्त के लिए जान भी दे देंगे, विकेट क्या चीज है, आउट हो गए सॉरी। लेकिन इसी बीच सैम करन 35 रन के स्कोर पर आउट हुए। 5 ओवर के अंदर चेन्नई के 2 विकेट जा चुके थे, लेकिन फिर इसके बाद वॉटसन और रायडू में अच्छी पार्टनरशिप हुई। रायडू ने 41 रन बनाए, आउट हो गए। पब्लिक में खुशी की लहर। एक सेकंड, पब्लिक में खुशी की लहर क्यों? इसलिए क्योंकि पीछे से एक आंटी की आवाज आई, देखो देखो वो आ गया। एंट्री हुई बाहुबली की, महेंद्र सिंह धोनी मैदान में। और जैसे जैसे धोनी वॉक करके क्रीज की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे मन के बैकग्राउंड में गाना चल रहा था। कौन सा? जहाँ जहाँ तेरे पांव चले वो धरती अंबर हो जाए। मत गा भाई, कान से खून आ रहा है। सॉरी। फिर अचानक मुझे आई एक कॉल। किसकी? मेरे पापा की। बोले मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तूने कहीं देखा है बउआ? एक सेकंड, उनका फोन नहीं मिल रहा था तो कॉल कहाँ से किया? भाई साहब लैंडलाइन नाम की भी एक चीज होती है। अच्छा सॉरी। फिर मैंने बोला बैल्कनी में जाओ, शायद मम्मी के पास होगा। वो बैल्कनी में गए तो मम्मी अपने फोन से एक आंटी से बात कर रही थी और उनके हाथ में पापा का फोन था। पापा ने बोला अरे तुम भी? मम्मी ने बोला हाँ मैं भी। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और हंसकर वहीं बैठकर साथ में देखने लगे। भाई साहब धोनी मैदान में आए तो लगा आतिशबाजी होगी, लेकिन बस एक झन्नाटेदार सिक्स मारा और चले गए 21 रन बनाकर। हमारे दिलों के साथ खेल कर चले गए माही। जडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, चेन्नई ने बनाए 167। बैटिंग करने उतरी सनराइजर्स का सनसेट पहले 4 ओवर में ही हो गया। मतलब वार्नर और पांडे जी दोनों पवेलियन की फ्लाइट पकड़ चुके थे। उनके पीछे पीछे जॉनी जॉनी बेयरस्टो और प्रियम गर्ग भी बिना कोई ज्यादा कमाल आर खान दिखाए निकल लिए। सॉरी, 100 के अंदर गिरे 4 विकेट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक छोर पर उम्मीद जी टिके थे। उम्मीद जी, ये कौन है? भाई न्यूजीलैंड में इन्हें केन विलियमसन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन करण शर्मा ने उनको बोला कि केन भैया आप भी पवेलियन जाकर धोनी की जीत का आनंद उठाइए। उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी ही बची थी। हैदराबाद ने बनाए सिर्फ 147 रन और धोनी ने बनाया हैदराबाद की बिरयानी। एक सेकंड भाई साहब, हेलो, धोनी ने क्या किया है? धोनी हेटर्स भी यही बोलते हैं कि धोनी ने क्या किया। एक बात क्लियर कर लो भैया, चेन्नई हारी तो टीम की जिम्मेदारी और जीती तो धोनी की। और अगर आप भी ट्रू MSDN हैं तो कमेंट में बोलो कि भाई ने सही बोला है कि नहीं। और हमको ना ज्यादा ज्ञान सुनने का नहीं है, समझे भाई साहब? आप ही से बोल रहा हूँ भाई। एरोगेंट इज द वर्ड फॉर यू, सो इट बी यू धोनी हेटर। सॉरी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करें। जल्दी मिलते, बाय बाय, जय हिंद। ओ धोनी हेटर, ई रिक्शा पकड़ के निकल ले, चल इधर आ। बग जा।